क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये बताना है कि जो भी हमें ये रैशनल नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेके 10 तक, इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो भी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में दिए गए हैं ये क्या होने चाहिए, को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं है, मतलब को प्राइम क्या होता है, जिन वन के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर है तो सबसे पहले हम उसे कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे डिनोमिनेटर यानी क्यू को, चेक करेंगे क्यू हमारा किस फॉर्म में। अगर क्यू हमारा 2 की पावर n की फॉर्म में या 5 की पावर m की फॉर्म में या इन दोनों की फॉर्म में होगा, 2 या 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में होगा क्यू, तो वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर क्यू के फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ भी होता है, ठीक है, कोई भी नंबर 2 और 5 के अलावा इसका कॉमन फैक्टर होता है, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट से इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें दे रखा है 13 अपॉन में 3125, तो 13 और 3125 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, मतलब ये क्या है, कोप्राइम हो गए। और अब चेक करना है हमें 3125 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 13 अपॉन में 3125 के फैक्टर्स मैंने पहले ही यहाँ पर कर दिए हैं, तो ये इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 5 5 5, 5 बार 5 आ रहा, मतलब 5 की पावर 5। तो ये डिनोमिनेटर क्यों किस फॉर्म में है, 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है। अगर 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसी तरह से सेकंड को चेक करते हैं, 17 अपॉन में 8, तो ये भी को प्राइम है अपने आप में। चेक करेंगे 17 के फैक्टर्स 17 ही होता है और 8 के फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिए हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो Q को देखेंगे हम, Q क्या है, 2 की पावर 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में होगा, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें इसमें यही बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होगा। थर्ड देखते हैं, 64 अपॉन में 455, तो 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 की पावर 6 अपॉन में 455 के फैक्टर्स आपके सामने यहाँ पर है, 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13, तो इसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13। तो ये दिखाई दे रहा है हमें कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं है, और डिनोमिनेटर को चेक करेंगे अब, डिनोमिनेटर में 5 है लेकिन उसके अलावा 7 और 13 भी है, तो डिनोमिनेटर जो हमारा क्यू, डिनोमिनेटर यानी कि क्यू, क्यू में क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5, अगर 2 और 5 फैक्टर्स हैं तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया थर्ड का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे अब देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम को। फोर्थ में क्या है, 15 अपॉन में 1600। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 5, 3 5 15 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई में 5 15 के फैक्टर हो गए, और 1600 के फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पर मैंने पहले से ही कर दिए, तो ये होंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, तो 5 मल्टीप्लाई में 5, ये भी क्या है, 5 की पावर 2 है, 1 5 से 1 5 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 अपॉन में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। मतलब ये जो हमारा क्यू है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर 6 और 5, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, इसमें 29 अपॉन में 343, तो हम 343 के यहाँ पर करेंगे फैक्टर्स, तो ये ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 5 से, ये जाएगा डायरेक्ट 7 से, 7 4 28, उसके बाद 34 में से 28 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और 6 और 3 हो जाएगा 63, और 7 9 63, 7 7 49, और 7 1 7, तो
29 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसके 29 के फैक्टर्स यही होंगे, 29 ही इसका फैक्टर होगा और 1 होगा, 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और 343 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी क्यू है वो किस फॉर्म में है, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह सिक्स देखते हैं, सिक्स में हमें पहले से ही फैक्टर्स दिए हुए हैं, क्यू किस फॉर्म में है, 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में, और 29 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 20 है यहाँ पर, 23 के फैक्टर्स 23 ही होता है, और 2 और 5 नीचे हमें क्यू किस फॉर्म में, 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे वाला, सेवंथ है 129 अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 5। ठीक है, तो इसके 129 के फैक्टर्स क्या होंगे, 41 मल्टीप्लाई में 3, सॉरी 43 आएगा, 43 मल्टीप्लाई में, रब करके लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड, 129 के फैक्टर्स होंगे 43 मल्टीप्लाई में 3, और नीचे हमें डिनोमिनेटर जो है वो दे ही रखा है, वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 5। ठीक है, इन सभी के बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7। तो ये यहाँ पर 2 और 5 फैक्टर्स हैं, ये दोनों तो फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर 7 भी फैक्टर है, तो इनके 2 और 5 के अलावा कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए फैक्टर की फॉर्म में, अगर कोई है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सेवंथ का क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एट्थ को देखते हैं, एट्थ है हमारा 6 अपॉन में 15, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3, और 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स होंगे 15 के फैक्टर्स हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे, 15 के फैक्टर्स यहाँ पर ये 50 हैं, ठीक है, 15 के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई में 5, तो 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 2 अपॉन में 5। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, क्यू यानी कि डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है, सो इट इज टर्मिनेटिंग, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं 35 अपॉन में 50, तो 35 के फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई में 7, और 50 के फैक्टर्स यहाँ पर मैंने कर दिए हैं, ये है 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, तो 5 से 1 5 कैंसल, और सॉल्यूशन करने के बाद आएगा हमारा 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 5। तो डिनोमिनेटर को चेक करना है क्यू को, क्यू किस फॉर्म में है, 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। लास्ट है 77 अपॉन में 210, तो 77 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 मल्टीप्लाई में 11, 7 11 7 का क्या होता है 77, और 210 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए कर दिए हैं, जो है 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो Q को हमें चेक करना है, Q में 2 फैक्टर है 5 फैक्टर है लेकिन 3 भी है, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस कॉन्सेप्ट के को फॉलो करते हुए आपको इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व